हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से नहीं लिया गया है, ये मिक्सडअप वाले सारे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन रेफरेंस बुक से भी लिए गए हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग के साथ शेयर करूँ, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे 2021 के लिए लाइक तैयारी कर रहे हैं तो काफी हेल्पफुल होगा उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर करता हूँ कि लाइक क्वेश्चन किस तरीके का है। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। इंटीग्रेशन करना है एक्स रिश पर ई प्लस ई रिश पर एक्स प्लस ई रिश पर ई, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन था आपका एक्स रेफर ई प्लस ई रेश पर एक्स एंड ई रेश पर ई, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले जब इंटीग्रेट करोगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। स्प्लिट कर देते हैं, बाय स्प्लिटिंग वी गेट लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि एक्स रिश्वार में ई है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग को इंटीग्रेशन का अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग डायरेक्टली इसको कर पाओगे, अदरवाइज फिर ये आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं इधर से चलता हूँ, लाइक पहले इसके बारे में बताता हूँ कि आइए देखिए। आप लोग को अगर मैं कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन बोला था, लाइक मेरे बेसिक वाले जो वीडियो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस मतलब ये 20 क्वेश्चन को करने से पहले आप बेसिक वाले जो इंटीग्रेशन है या जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है उसको आप क्लियर कर लेना। क्लियर कर लेने से क्या होगा, आपको काफी आसानी होगी, ठीक है। तो लेट्स सी करते हैं इसको। तो आपको जैसे मान लो मैंने बोला था किसी कांस्टेंट टर्म का अगर इंटीग्रेशन करते हो तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो उसका जो आंसर होगा वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ई रेस्ट पर ई हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ई रेस्ट पर ई बाहर, ई रेस्ट पर ई बाहर हो गया तो इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, वन का करना है। तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। तो ई रेस्ट पर ई एक्स हो जाएगा, तो इसका तो इंटीग्रेशन पता चल गया हमें, ठीक है। ई रेश पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एनी आइडिया? ई रेश पर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेश पर एक्स, तो ई रेश पर एक्स ही होता है। और इंटीग्रेशन भी अगर हम करेंगे ई रेश पर एक्स का तो वो ई रेश पर एक्स ही होगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका भी पता चल गया हमें, ठीक है। अब इसका क्या है, तो ये जो फॉर्मूला लगेगा आपको बताया गया था एक्स रिश्वर एन डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग अब पुट करेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स रिश्वर ई डी एक्स है तो क्या लिख देंगे, एक्स रिश्वर ई प्लस वन अपॉन ई प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने आप लोग के लिए लाइक पहला क्वेश्चन था तो इतना मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। बट अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन है, और अगर 20 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में बताने गए तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे अगर मान लो इंटीग्रेशन एक बार आप लोग एनसीईआरटी बुक कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा मजा आएगा करने में, ठीक है। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर में ई प्लस वन अपॉन ई प्लस वन, ठीक है। प्लस अब ई रेश पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई रेश पर एक्स, ठीक है। प्लस अब ई रेश पर ई का क्या हो जाएगा, ई रेश पर ई एक्स प्लस सी, डेट विल गिव द, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सिक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं इसको। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो है एक्स स्क्वायर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लिखने का पर्पस क्या है, ऐसे लिखने का पर्पस ये है कि ऊपर वाला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में टूट जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और स्क्वायर बोल रहा था ए का स्क्वायर, तो ए मेरे अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ए यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और बी हो गया वन। कंपेयर करेंगे जब इसको इस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा, ए स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माइनस ए, ए क्या है मेरा एक्स स्क्वायर और बी क्या है मेरा वन, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तब होगा क्या, ये सिंपली ये कैंसिल आउट हो गया। अब इंटीग्रेशन आप लोग आराम से कर लोगे, वन का स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फोर है ना, तो एक्स स्क्वायर फोर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फाइव अपॉन फाइव प्लस वन का इंटीग्रेशन अभी बताया था क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन था आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो वन माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूला में टूट जाएगा, तो वन प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स, और नीचे तो हमारे पास वन प्लस कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या किसका करना, वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स का, तो वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, काफी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर लिख लेते हैं। कह रहा है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, तो सबसे पहले क्या करो, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो, तो तोड़ने से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो ये जो टेन स्क्वायर एक्स है उसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और कॉट को मैं लिख सकता हूं
कॉट को हाँ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टू टेन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स को वन अपॉन कॉट एक्स लिख दीजिए, और कॉट एक्स तो यहाँ पे है ही तो अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। और ये वन और वन क्या हो जाएगा माइनस टू, तो हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स प्लस cosec स्क्वायर एक्स माइनस टू प्लस टू, तो ये टू टू भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताइए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, और cosec स्क्वायर एक्स क्या क्या होता है, माइनस cot x प्लस c, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है चलिए करते हैं इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डीएक्स। अब ये क्वेश्चन को करना कैसे, एक सेकेंड रुकेगा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, सर वॉइस नहीं आ रही। वन प्लस कॉस एक्स, तो इसको करेंगे कैसे, तो वन प्लस कॉस एक्स तो ऊपर हो गया, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो वन प्लस कॉस एक्स तो है ये, और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको ना सेपरेट कर देंगे, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब देखो ये कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन एक बार तो हो गया तुम्हारा कॉट एक्स इंटू वन अपॉन साइन, एक बार फिर से बच गया, तो वन अपॉन साइन को, वन अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या अभी देखा था हम लोगों ने, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और ये कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स, ठीक है। पहला माइनस में था, ये पॉजिटिव में है, बट हाँ जो थीटा में वो टू बी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया इसमें, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बगल में लिख देता हूँ, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अगर मैं वन को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब मैं टू को बाहर कर दिया और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
sec square x क्या होता है इंटीग्रेशन 10x, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 1/2 10x plus c, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है cos inverse sin x, ठीक है, तो चलिए इसको देखते कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा cos inverse sin x dx, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक साइन थीटा होता क्या, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो इस साइन को मैं cos के टर्म में लिख दूं तो काफी आसान हो जाएगा। कैसे लिखूंगा, cos 90 माइनस x, तो sin x ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 90 माइनस x का, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो एक्चुअली ये 90 जो है इसको पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट होता है, तो पाई बाय 2 को मैंने बाहर कर दिया, अंदर बचा 1dx माइनस xdx, तो इसका हो जाएगा क्या, पाई बाय 2 इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकेंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए आइए व्हाइट बोर्ड में करते हैं। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है एक सेकेंड, 1 माइनस cos x को मैं लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर x बाय 2। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या हमारे पास, तो देखिए ध्यान से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, या आप बोल सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे cos थीटा चाहिए, सिर्फ cos थीटा, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 1 माइनस चाहिए, तो हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है, तो इस टर्म को हम बताते हैं आपको कि इसको इधर ले आता हूं मैं, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, कुछ क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखो इस पैटर्न पे दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ सिंगल x है, थीटा में सिर्फ x है, यहाँ 2 थीटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एंगल पे ही डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, तो इसीलिए 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाय 2 हुआ, ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं 2 sin स्क्वायर x बाय 2, और वैसे ही 1 प्लस cos x का करोगे तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx, ठीक है, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाय 2, 10 स्क्वायर x बाय 2,
अभी टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको सेक में बदल लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, तो sec x का होता है 10x, बट x by 2 भी है, ठीक है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 x by 2, x by 2, और x by 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 by 2, तो 1 by 2 नीचे आ गया, और 1 का हो जाएगा x plus c। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूँ कि 2 ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 2, अरेंज कर देता हूँ अच्छे से, 2 tan x by 2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है इफ एफडेस ऑफ एक्स दिया हुआ है और एफ टू की वैल्यू दी गई है 8, तो आपको बोला जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए। चलिए कोई इशू नहीं है, करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं, आपको दिया क्या गया है, एफ डैश ऑफ एक्स दिया गया है ना, एफ डैश ऑफ एक्स दिया गया है क्या है 8x³ - 2x। अब एक बात बताओ मुझे कि ये एफ डैश ऑफ एक्स है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए, डैश को हटाने के लिए, एक्चुअली डैश का मतलब क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन, इसको हटाने के लिए मुझे इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन खुद ब खुद गायब हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स का, मतलब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, लिख देना 8x³ - 2x dx, ठीक है, तो करेंगे तो ये डैश हट जाएगा, मतलब ये एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, तो ये हो गया आपका f of x equals to, इधर हो जाएगा आपका 8x⁴/4 - 2x²/2, तो 4 2 = 8, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो f of x आया हमारा 2x⁴ - x², ये मेरा आ गया f of x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि f of 2 आपका गिवन दिया हुआ है ना, f of 2 गिवन दिया हुआ है, तो f of 2, अच्छा इसको प्लस सी भी कर देंगे ना, ठीक है, तो f of 2 आप पुट कीजिए, तो f of 2 अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 के पावर में 4 - 2 का स्क्वायर प्लस सी, तो f of 2 एक्चुअली है कितना, f of 2 है मेरा 8, और इधर क्या हो जाएगा 2 × 16 - 4, तो 32 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो लिखेंगे हम लोग 8 = 32 - 4 + c, तो ये हो जाएगा आपका 28, और इधर 8 है, 8 - 28 = c, तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास -20, ठीक है। अब C की वैल्यू जो -20 आई, हम पुट कहां पे करेंगे, क्योंकि f of x मांग रहा था ना ये, तो इस टर्म में हम लोग पुट कर देंगे इसको, पुट करने में देखिए क्या आएगा हमारा f of x equals to 2x² - x² - 20, that is the final answer, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 तो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है 2x / 2x + 1² dx, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग करेंगे कैसे देखते हैं इसको, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 2x है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ +1 - 1 कर देता हूँ, ठीक है, फायदा क्या होगा बताता हूँ मैं, 2x + 1² dx। अब क्या करता हूँ मैं, अलग अलग इसको सेपरेट कर देता हूँ, तो अलग अलग सेपरेट कर देना सर, 2x / 2x + 1² 2x + 1² - 1/2x + 1² ये dx, ये dx, अलग अलग सेपरेट कर दिया। अच्छा यहाँ प्लस वन भी तो जाएगा ना,
ठीक है, तो इससे फायदा ये हुआ कि इससे एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक कैंसिल आउट होने के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में यही बचेगा, एक तो कैंसिल आउट हो गया माइनस, अब इसको तुम लिख सकते हो टू एक्स प्लस वन रेस्ट पर माइनस टू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, तो log 2x plus 1 तो लिख दो, लेकिन इस पूरे टर्म को मैंने x कंसिडर करा था ना, जिसको x कंसिडर करते हो उसका डिफरेंशिएशन भी होता है, तो 2x plus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो आ जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद माइनस, इस पूरे टर्म को तुमको x कंसिडर करना पड़ेगा, x कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो x रेस्ट पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो लग जाएगा, तो 2x plus 1 ये 2 minus 2 plus 1 अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक्स कंसिडर किया तो उसका डिफरेंशिएशन भी होगा, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपॉन में वन बाई टू। ठीक है, तो लेट्स सी देखिए क्या होता है, ये हो गया वन बाई टू लॉग टू एक्स प्लस वन माइनस, अब यहाँ हो जाएगा हमारा टू एक्स प्लस वन माइनस वन, और नीचे हमारा माइनस वन, ठीक है, इंटू टू भी है, तो फाइनल आंसर लिख दो 1 बाई टू लॉग 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1, या तुम नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको नीचे भी ले आओ, उसका प्लस सी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, काफी थोड़ा स्पीड में मैं करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि 20 क्वेश्चन है ना, और बाकी 10 क्वेश्चन तो हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इरेश पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और फिर इरेश पर एक्स डीएक्स है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इंटीग्रेशन करना है आपको इरेश पर एक्स प्लस वन और मल्टीप्लाई में इरेश पर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, लेट क्या करना है, लेट इरेश पर एक्स प्लस वन को टी मान लिया हमने, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इरेश पर एक्स का ई, वन का जीरो, टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को मैं क्या ले सकता हूँ, डी टी अपॉन इरेश पर एक्स, पुट कर दो यहाँ पे, इसको टी माना हुआ था, इरेश पर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा डी टी अपॉन इरेश पर एक्स, इरेश पर एक्स इरेश पर एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे t dt हो गया, तो t का क्या हो जाएगा t square by 2 plus c, t की वैल्यू पुट कर दो ex plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 plus, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, इसमें मैंने स्क्वायर नहीं लिया था, अगर स्क्वायर होगा तो आप लोग स्क्वायर ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ स्क्वायर होता तो ये टी स्क्वायर हो जाता, और टी स्क्वायर होता तो टी क्यूब बाई थ्री होता, तो यहाँ क्यूब बाई थ्री हो जाता, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 12 कह रहा है टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स, कोई नहीं करते हैं इसको, 12 क्वेश्चन कह रहा है आपसे n स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक है, तो उसको करेंगे कैसे, लेट्स सी, n स्क्वायर x का पहले ही बताया था आपके पास इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है ना, इसको sec में बदल लीजिए, तो हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। ठीक है, तो अब इसको क्या है ना, 2x प्लस 3 को t मान लो, लेट कर लो, t लेट कर लो, तो ये हो गया 2, ठीक हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स का शू क्या हो गया डी टी बाई टू, पुट करो वहां पे, पुट करने जा रहे हैं तो ये हो गया सेक स्क्वायर टी है ना माइनस वन, और डी एक्स का क्या जाएंगे डी टी बाई टू। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन वन बाई टू तो बाहर ही कर लो इसको, sec square t का इंटीग्रेशन कर लो dt माइनस वन का इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, तो
तो sec स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा tan t, ठीक है, और वन का क्या हो जाएगा t, तो t की वैल्यू एक्चुअल में है क्या उसको फिर पुट कर दो लास्ट में, t की वैल्यू तो 1 बाई टू टेन टू एक्स प्लस थ्री माइनस, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स माइनस नहीं प्लस ही तो है, टू एक्स प्लस थ्री प्लस था या माइनस था क्वेश्चन में, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, माइनस था सॉरी माइनस था, तो ये माइनस होगा, तो कोई फर्क पड़ना नहीं, डिफरेंशिएशन तो जीरो ही है, ठीक है, बट हाँ आंसर में फर्क पड़ जाएगा, तो ये आप लोग माइनस ही रखिएगा प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन करना है 2x minus 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर dx, चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या होता है, 13 कह रहा है आपसे 2x minus 1 upon x minus 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, इसको करेंगे कैसे, लेट्स सी 2x माइनस वन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टू एक्स प्लस टू माइनस टू माइनस वन करते हैं, फायदा क्या होगा वो होता है, तो देखिए गाइस हमें टू अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा अरेंज कर, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 और इधर हो गया प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, तो यहां से 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 है ना, ठीक है, प्लस 1 x minus 1 का whole square dx, ठीक है, तो बारी बारी से इसको हम लोग ये कर देते हैं, integration of यहाँ हो जाएगा 2 upon 1 minus x minus 1 dx plus 1 upon x minus 1 का whole square dx, चलिए, तो ये तो आपको पता है कि log x का formula लग जाएगा 2 log x minus 1, क्योंकि इसको x मान लिया तो 1 upon x का log x होता है, अब x माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन ही आएगा, तो डिनोमिनेटर में लिखिए ना लिखिए पद बराबर है, ठीक है, प्लस अब ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने बता लिया था x माइनस वन की पावर में माइनस टू डी एक्स करके इसको सॉल्व कीजिएगा, तो जब तुम फाइनली सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 log x माइनस वन माइनस वन अपॉन x माइनस वन प्लस, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन ऑफ फोर्थ, क्वेश्चन ऑफ 14th है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेशियो ऑफ 4 टू एक्स डी एक्स, चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4 टू एक्स डी एक्स, अब इसको करेंगे कैसे, तो cos रेशियो ऑफ 4 दे दिया ना, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर x का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर x का क्या होता है, 1 माइनस cos सॉरी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है, तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, बट ये तो cos square x है, अगर मैं बोल दिया cos square 2x, तो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x upon 2, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1 plus cos 4x upon 2 का whole square,
तो 1/2 का जो है तो उसको बाहर कर देंगे तो 1/4 बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन आपको करना है 1 dx प्लस इंटीग्रेशन करना है cos, अच्छा सॉरी ये तो पूरे में होल स्क्वायर है ना, तो अलग अलग सेपरेट तो हो नहीं सकता है, तो सिर्फ 2 वाले टर्म को है ना नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, 1/4 बाहर कर दिया। अब यहाँ पे क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वो होता है जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टू ए मेरा क्या है 1 और b क्या है cos 4x, ठीक है। चलिए अब इसको आगे हम लोग करेंगे कैसे, तो याद रखिएगा आपके पास फिर से ये cos स्क्वायर 4x आ गया, तो cos स्क्वायर 4x आ गया, तो ध्यान से देखना यहाँ पे cos स्क्वायर 2x का तो ये फॉर्मूला था, तो cos स्क्वायर 4x का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 2 cos 4x, ठीक है। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करता हूँ तो 1/4 तो बाहर ही है, 1 का हो गया x, अच्छा 1 ये अभी मत लिखो लाइक, क्योंकि वो पूरे में है ना, पूरे में है तो क्या लिखेंगे इसको, ये पूरे में, तो जब 2 फिर एलसीएम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1/8 तुम बाहर करते हो तो 2 फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं अंदर x, वन बाई फोर तो मेरा बाहर ही है, अगर मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ तो इधर 2 प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस 2 cos, अच्छा ये 2 या 4 हो जाएगा 4 cos 4x, ठीक है। चलिए अब क्या है कि अब हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं अंदर, ठीक है, ये पूरे अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बार 1/8 ले लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, तो 2 का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2x, ठीक है, अच्छा 2 और 1 3 हो जाएगा ना, तो ये 3x हो जाएगा, उसके बाद cos 8x का क्या हो जाएगा, साइन 8x अपॉन 8 प्लस यहाँ पे 4 है पहले से, तो 4 साइन 4x है ना, अच्छा उसके बाद अपॉन में 8 तो लिख दिया था, ठीक है इसमें अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 8 अंदर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे, तो जब 8 मल्टीप्लाई होगा तो जो मेरा ये वाला टर्म है, फर्स्ट वाला जो टर्म है, लाइक एक सेकंड में इसको चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है ठीक है, एलसीएम लिया तो दे 2 हो जाएगा, हाँ सही है, ठीक है। तो 1/4 को अगर मैं अंदर करता हूँ तो ये हो जाएगा 3x/8 प्लस साइन 8x अपॉन 64 प्लस आपके यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये उधर हो जाएगा साइन 4x अपॉन 8 प्लस,
ये आपका फाइनल डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है इस बार इंटीग्रेशन। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, आप लोग एक काम करना, ये सिमिलर क्वेश्चन है ठीक है, उसी टाइप का है, तो इसका कमेंट बॉक्स में ना आप आंसर मुझे बताना कि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन होगा क्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। 16 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। तो ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं साइन एक्स, और यहाँ पे पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो गया आपका रूट 2। यहाँ पे साइन टू साइन है, ये वाला साइन ये, और स्क्वायर रूट स्क्वायर के उसको कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे भी साइन एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो साइन एक्स क्या हो गया, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या बताइए। साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आप लोगों को देखना है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, तो 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx, ये रूट से एक रूट रहेगा, तो 1 अपॉन रूट 2 रहेगा नीचे में, और 1 का इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x, ये इंटीग्रेशन करना है, तो हो गया 1 अपॉन रूट 2, 1 का हो जाएगा x, और cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस c। ठीक है, अगर 2 को अंदर ले आना चाहते हो तो लेके जाओ, कोई भारी मसला नहीं है। ठीक है, ओके, एक मिस्टेक करा मैंने यहाँ पे, कि कॉस 2x है ना, ये 2 होगा यहाँ 2, तो 1 का तो x हो गया, कॉस 2x का साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये रूट 2 अंदर आएगा, तो हो जाएगा x अपॉन रूट 2 माइनस साइन 2x 2 रूट 2 प्लस c। ठीक है, चलिए ये फाइनल आंसर, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा cos 3x cos 4x। ठीक है, तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। cos 3x cos 3x और ये cos 4x dx, ये आपको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए cos 3x cos 4x। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला ये वाला लगाऊं, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, तो ये होता है हमारा cos a minus b plus cos a प्लस बी। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ तो 2 है नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद आप लोग बना लेना इसको, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, 7 sin x माइनस sin 7 x अपॉन 14 प्लस c। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लाइक इसका आंसर जो है वो सही आया आप लोगों का या नहीं आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन एक्स कॉस टू एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, तीन टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि साइन एक्स को हम अभी बाहर ही रखते हैं, तो साइन थ्री एक्स और एक्स तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन थ्री एक्स इंटू कॉस टू एक्स, साइन थ्री एक्स इंटू कॉस टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, टू साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इस पे पुट करना है, और याद रखिएगा कि बाहर मेरा एक साइन बचा हुआ है, तो जब बाहर मेरा एक साइन बचा हुआ है तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे, क्या चेंजेस आ जाएंगे कि लाइक ये जो हम लोगों ने अभी सॉल्व करा वो ये वाला पार्ट आया है, ठीक है। तो जब साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं वन बाई टू, तो बाहर ही रखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा साइन फाइव एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा, और ये डिवाइडेड बाय टू भी तो होगा ना, क्योंकि देखिए हमने ये फॉर्मूला लगाया वन बाई टू, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वन बाई टू तो रहेगी, तो वन बाई टू तो हमारा है यहाँ पे, ठीक है। और जब साइन मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये हो जाएगा वन बाई टू साइन एक्स साइन फाइव एक्स, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आसान है काफी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बस यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर अलग इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ देना, कैसे तोड़ोगे, वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू तोड़ देना, और फिर आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 18 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, 18 हो गया क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, चलिए लेट्स सी, क्वेश्चन 19 है हमारा, sec x अपॉन sec 2x है ना dx, इसको करना है। तो इसको करेंगे कैसे हम लोग, तो इसको क्या कीजिए ना, कन्वर्ट कर लीजिए, sec x को cos में कन्वर्ट कर लो, cos x, और इसको भी कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन cos 2x। अब तुम लोग सर फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हो गया कि ये बन गया cos 2x अपॉन cos x, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो cos 2x का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक साइड में लिख देता हूँ, cos 2x का जो फॉर्मूला है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x, ये लिख दिया, ठीक है। अब सेपरेट कर देते हैं उसको, तो सेपरेट करने से क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos x हो गया माइनस 1 अपॉन cos x हो गया, ठीक है। यहां से एक cos, एक cos कट गया, तो यहां बचा 2 cos x माइनस 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे dx कर दे, यहाँ sec x dx कर दे, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली आप बता दोगे कि सर ये क्या है, 2 cos x, तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log sec x प्लस tan x प्लस, डेट इज द फाइनल आंसर,
ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 1 + 10x / 1 - 10x, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। और लाइक जो भी एक दो क्वेश्चन का जो मैंने आंसर नहीं निकाला है, आप लोग खुद से सॉल्व करना, ताकि और उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये लाइक इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि आप लोग कनेक्टेड हैं हमारे से, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ आप लोगों को। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी आप इंटीग्रेशन करने जाओ तो पहले फॉर्मूला वगैरह अच्छे से आपके दिमाग में एडजस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीट को सामने रख लिया और बना रहे हो बार बार, तो कभी ये लर्न नहीं हो पाता है। तो आप क्या करो कि आप लाइक जब भी प्रैक्टिस करने, मान लो ये 20 क्वेश्चन मैंने दिया, तो पहले है ना सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर लो। तो जब तुम लर्न कर लोगे ना, तो खुद ब खुद दिमाग से ना तुमको लगेगा कि अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। अगर सीट तुम सामने में रखोगे और कोई कहता है कि प्रैक्टिस करने करने से फॉर्मूला याद हो जाता है, तो लाइक ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आप अपना स्ट्रेंथ खुद देखो कि आपको फॉर्मूलाज कैसे लर्न होते हैं, प्रैक्टिस करने से होते हैं तो वेल एंड गुड, अब प्रैक्टिस करने से नहीं होते हैं तो फिर आप लर्न करना अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है और लाइक इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और इंटीग्रेशन का तो लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + 10x / 1 - 10x, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग करते क्या है कि 10x को पहले लिख लेते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 - sin x / cos x लिख लिया इसको, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम लिया मैंने कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे जब हम लोग लेंगे एलसीएम कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसमें क्या हो गया कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में बचा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए किसी एक टर्म को आप किसी एक टर्म को टी ले लो जिसका डिफरेंशिएशन वहां पे मौजूद है। तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं ऊपर वाला लेता हूँ, ऊपर वाला का साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, हाँ ठीक है ले लो ऊपर वाले को, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को अगर मैं टी ले लेता हूँ तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स कुछ क्या हो जाएगा डी टी अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो लेट सी देखिए क्या करें हम लोगों ने, हमने करा यहाँ पे इसको टी मान लिया, अपॉन में मेरे पास है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी टी करने के लिए हम गए, तो डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही आ गया, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ 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 क्या गड़बड़ हो गया, ये कैंसल आउट हो नहीं रहा, डिनोमिनेटर वाले को लेते हैं साइंस, अच्छा डिनोमिनेटर वाले को ले, इसमें से तो ये कट नहीं रहा, कैंसल आउट नहीं हो रहा, तो डिनोमिनेटर वाले को ले लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उसी को टी लेते हैं जिससे डिफरेंशिएशन करके वो टर्म कैंसिल आउट हो जाए, तो मैंने नीचे वाले को ले लिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी ले लिया, ठीक है। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स तो होता ही डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास डी टी अपॉन माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। अब पुट कर देते हैं हम लोग, ऊपर वाले को तो कुछ नहीं करा, तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, नीचे वाले को मैंने टी माना था टी हो गया, इनटू डी टी अपॉन क्या हो गया माइनस साइन एक्स प्लस
कॉस एक्स, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस का डी टी बाई टी, तो वन बाई टी क्या होता है लॉग टी प्लस सी, तो लॉग टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या माना था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे तुम एक चेंजेस और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चलो रहने दो फिर, ये मत करो फिर चेंजेस, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। वो होता है एक प्रॉपर्टी है कि माइनस को आगे लेके जाओगे तो उसके पावर में आ जाता है, लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि लॉग के आगे माइनस है ना, उसको लेके जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी फिर बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर लगेगा कि सर आपने कुछ छोड़ दिया है, मिसिंग कर दिया। एक्चुअली एक लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो उसको लिख सकते हैं टू लॉग एक्स, है ना। तो माइनस यहाँ पे था, तो माइनस को अगर मैं, अगर जैसे मान लो फिर यहाँ पर ये वाला टर्म, तो ये माइनस आगे जा सकता है, तो माइनस आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स के पावर में माइनस, ठीक है, क्लियर। बस तो ये था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, और लाइक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई थिंक आया है, तो आप कमेंट करके बताना, कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन फिर लेकर के आऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हम लोगों ने देखा है वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3, ये आपके कवर अप हो जाएंगे ये 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन में लाऊंगा, जो स्पेशल टर्म्स वाले रहेंगे, ठीक है, और भी लाइक डिफरेंट टाइप्स के जो इंटीग्रेशन है, तो सारे उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आई होप मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।